गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन। सो आज के वीडियो में हम एक करेंगे DIY, इसके हम टाइटल में देख ही लिया होगा। सो आज हम एक सीक्विन के कपड़े से एक स्टाइलिश यहाँ पे ब्लाउज बनाएंगे, विच इज काइंड ऑफ अ सेक्सी ब्लाउज। एंड गाइस आल्सो मैं यहाँ पे आपको ये बताऊंगी कि आप पुरानी ब्रा को कैसे रीयूज कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो विदाउट कमिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सीक्विन का कपड़ा ले लिया है, एक्चुअली एक साड़ी का ब्लाउज था। सबसे पहले मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी कि मुझे हॉल्टर नेक कितना चौड़ा चाहिए, तो उसी हिसाब से आप मेजर करके ले सकते हो। एंड अब मैं यहाँ पे आर्म्स ड्रॉ कर रही हूँ कि मुझे कितना डीप चाहिए। अपने अकॉर्डिंगली जितना डीप आपको चाहिए आप मेजर करके उतना ले लेना, क्योंकि कोई बड़े में कंफर्टेबल होता है एंड कोई छोटे में होता है। तो अब मैं इसे बीच में से फोल्ड कर रही हूँ। एंड इसके बाद मैं इसे फिर से साइड से ड्रॉ करूंगी, क्योंकि मैं एक पूरा इसमें से ही निकालूंगी बैक का भी। अब जितना मुझे चाहिए मैं उतना ड्रॉ करने के बाद इसको कट कर लूंगी विद द हेल्प ऑफ सीजर्स। तो हमें इसको एंड तक कट करना है गाइस, क्योंकि ये सीक्वन है तो थोड़ा सा टाइम लगता है कटिंग करने में, क्योंकि इसमें बीच में सीक्वन आते हैं। तो आप ध्यान से प्लीज कटिंग कीजिएगा। अब ये हमने पार्ट पूरा कट कर लिया है गाइस। सो अब मैं इसे बिल्कुल एंड तक कट कर रही हूँ, जिससे मैं अपना बैक पोर्शन भी इसी में से बना पाऊँ। अब मैं इसे फोल्ड कर लूंगी ऐसे करके, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि हमें बैक में कितना चाहिए अकॉर्डिंगली। एंड ये जो बचा हुआ पार्ट है जिसे हम कट करेंगे इसमें से, इसे हम किसी और चीज में यूज करेंगे बाद। मैंने मेजर कर लिया था कि किस हिसाब से मुझे चाहिए एंड उसी हिसाब से मैंने कटिंग की है। अब इसके एजेस को मैं नीचे से हेम कर रही हूँ विद द हेल्प ऑफ सुई धागा, क्योंकि मेरे पास मशीन नहीं है। अगर आपके पास मशीन है तो बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ पे मैं आपको टिप देना चाहूंगी, अगर आप चाहें तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये नॉर्मल कपड़े पतले ही आते हैं, तो आप इसमें अस्तर के साथ ही इसमें स्टिचिंग करें। सो एक्चुअली मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं सुई से कर रही थी ऑब्वियसली, लेकिन अब मशीन से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। उसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है विद द हेल्प ऑफ सुइंग मशीन, लेकिन अगर नहीं हो तो आप इस तरह सुई धागे का भी यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप प्लीज़ मैचिंग का धागा लेना, क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं धागा नहीं ला पाई एक्चुअली। तो अब ये मेरा पूरा हेम हो गया है नीचे से एज। एंड इसके बाद हम जो हमारा ऊपर वाला पोर्शन है नेक वाला, हम उसको हेम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुई धागा। तो मैंने इसको दो फोल्ड्स में ऐसे फोल्ड करके उसके बाद हेम करना है। ये भी हमारा हेम हो गया। अब हम साइड्स को हेम करेंगे अच्छे से। इसे भी मैंने दो ही फोल्ड्स में लिया है, जिससे एक्स्ट्रा धागे जो है वो बाहर ना आए एंड हमारा ब्लाउज थोड़ा सा नीट लगे। तो मैं इसे ऐसे फोल्ड करके अच्छे से हेम कर लूंगी। एंड ये पीछे वाला पोर्शन भी मुझे हेम करना है, क्योंकि हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब मैंने एक पट्टी काट ली है इसी कपड़े में से, उसे फोल्ड करके उल्टी साइड से मैं इसे हेम करूंगी विद द हेल्प ऑफ सुई धागा अगेन। मैंने ब्लाउज को चारों तरफ से हेम कर लिया है। अब हम इस पट्टी को सीधा करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेफ्टी पिन। यहाँ पे आप सेफ्टी पिन लगा के, एंड जैसे कि मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करना है। सेफ्टी पिन लगा के उसे हम अंदर वापस पट्टी में डालेंगे एंड जो ऊपर जितना भी कपड़ा है उसे पीछे की तरफ पुश करते जाएंगे, तो हमारी जो हमने बनाई है पट्टी वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको ये करना है। एक्चुअली ये ट्रिक मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी, सो दिस इज लाइक वेरी हेल्पफुल। अगर आप कोई पट्टी बना रहे हैं इस तरीके से आप रबर बैंड भी बना सकते हैं। तो मेरी पट्टी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है बिल्कुल सीधी होने के बाद, दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। अब मैं इसको अटैच करूंगी अपने हॉल्टर नेक वाले ऊपर वाले पोर्शन पे, यहाँ पे एग्जैक्टली हम इसे अच्छे से अटैच करेंगे विद द हेल्प ऑफ सुई धागा। मशीन है तो मशीन भी यूज कर सकते हैं। तो ये अटैच हो चुकी है। तो ये अटैच हमने कर दिया है। अब हम थोड़ा सा काम करेंगे इसकी बैक पर। तो मैंने दोनों को एक साथ रख लिया है अपने साइज के अकॉर्डिंग। एंड अब मैं इनकी प्लीट्स बनाऊंगी छोटी छोटी ऐसे करके हाथ से, एंड ऐसे ही मैं उसको स्टिच कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ सुई धागा। तो ये वाला पोर्शन हमें ऐसे करना है एंड दूसरे वाला पार्ट भी हमें एग्जैक्टली ऐसे ही करना है, क्योंकि हम नॉर्मल DIY कर रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम नहीं आया, बिकॉज मैं बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं हूँ इस काम में। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है तो इस वाले डिजाइन से वो सब छुप जाएगा। अब ये मैंने स्टिच कर लिया है तो ये हमारा बैग भी बिल्कुल तैयार है।
अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ढक्कन लिया है, अगर आपके पास कुछ ऐसा है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कॉटन। अब मैं कॉटन इसलिए लगा रही हूँ जिससे कि थोड़ी सी फ्लफीनेस आए। अब हम इससे बनाएंगे एक बड़ा सा बटन। तो ये थोड़ा सा यू नो डिफरेंट आइडिया है जो कि मैंने सोचा क्यों ना बनाया जाए। तो इस तरीके से हम सेम कपड़े से उसको कवर करके पीछे की साइड से हम उसको स्टिच कर लेंगे। हमारा बटन बिल्कुल रेडी है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। तो अब ये पीछे वाले पोर्शंस को एक साथ रख के मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हम जो है बटन अटैच करेंगे। अब ये डोरी जो हमने बनाई थी बड़ी खाली खाली लग रही है, अब इनके लिए हम छोटी छोटी लटकन बना सकते हैं। ऐसे आप फोल्ड करके कपड़े को सर्कल काट के एंड उससे आप राउंड शेप बन जाएगी आपकी एंड उससे हम बनाएंगे छोटी छोटी लटकन। बस अब आप इसे अपने अकॉर्डिंगली फोल्ड कर लेंगे जैसे भी आपको चाहिए, बट मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया है दोनों साइड से अंदर की तरफ। इससे थोड़ा सा फूला हुआ लुक आए मेरी लटकन में, तो बस इसी तरीके से आपको भी करना है। एंड अब हम इसे अटैच कर देंगे अपनी डोरी से बिल्कुल एंड में। एंड ध्यान रखिए कि जो उसका निकला हुआ पार्ट है वो हमें इसमें अंदर अटैच करना है, तो इसे हम अंदर की तरफ से ही सिलाई करेंगे। ऐसा ही लूप एक पीछे के लिए भी बनाया है, तो यहाँ पे आप इस तरह का लूप लगा सकते हैं पीछे की तरफ एंड उसको मैं अच्छे से स्टिच कर दूंगी जिससे हम इजीली बटन में डाल पाएं। अब जब आप ये लूप लगाएं तो मेजर कर लें कि आपके बटन में कितना जाएगा। अब मैं यहाँ पे पुरानी ब्रा यूज़ कर रही हूँ जो कि पैडेड थी, इसे मैं अब यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं ब्लाउज में से यूज़ करूँगी। तो अब मैंने इसको रख के मेजर कर लिया है कि मुझे कहाँ कहाँ पे ये चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं इसको लगा के देख रही हूँ क्योंकि हम बैक में ये हुक्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसकी जो स्ट्राइप्स हैं उनको निकाल दूंगी क्योंकि इनका कोई काम नहीं है। अगर आप अटैच कर दोगे तो वो दिखेगी हॉल्टर नेक में, तो इसलिए मैं ऐसे ही इसको मैंने अच्छे से अटैच कर लिया है, ऊपर कॉर्नर से कर लिया है, नीचे से कर लिया है एंड ये जितना पोर्शन था इसको साइड से कर दिया है पीछे की तरफ से, जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हो। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मैंने इसको किस किस तरीके से स्टाइल किया। सो मैंने यहाँ पे दो तीन साड़ी दुपट्टा के साथ इसको स्टाइल किया है एंड इट लुक्स रियली स्टनिंग। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, वरना आप इसमें अस्तर यूज कर सकते हैं विच इज वेरी गुड। एक्चुअली आपको अस्तर ही यूज करना चाहिए। सो गाइस ऐसा वीडियो मैंने इंटरनेट पे नहीं देखा है एंड इट्स माय ओन आइडिया। अगर हो वीडियो तो मुझे बताना कहीं, but I think this is like a very unique idea and I'm working really hard on my stuff right now. So yeah, that's it for today's video. I think कि आपको इस type की DIY videos अच्छे लगते हैं जो कि आप पुराने सामान को reuse करके बना सकते हो. So I hope you like it. Just give it a like, share it with your friends. Don't forget to subscribe. Till then, take care. Bye.